अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़रूरी सेफ। आज का जो हमारा बूटस्ट्रैप का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप टेबल्स, जिसमें हम देखेंगे कि टेबल्स को हम कैसे स्टाइल दे सकते हैं थ्रू बूटस्ट्रैप। तो इसमें हमारे पास टेबल में हम बेसिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, स्ट्रिप रोज क्रिएट कर सकते हैं, बॉर्डर टेबल को यूज़ कर सकते हैं, हॉवर का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, कंडेंस्ड टेबल यूज़ कर सकते हैं, कंटेक्सचुअल क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिव टेबल बना सकते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वन है कि जो बेसिक टेबल बूटस्ट्रैप में, उसमें हम जो सिंपल क्लास यूज़ करेंगे वो टेबल क्लास को यूज़ करेंगे। हम सिंपल जो है वो टेबल की क्लास को, यानी कि बेसिक टेबल की स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग उसमें टेबल क्लास को ऐड कर देंगे, जो जो है हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स आपको शो करेगा टेबल में। इसको हम पहले इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि अगर हम एक टेबल क्रिएट करें और उसको टेबल क्लास है तो उसकी हमारे पास आउटपुट कैसे जनरेट होगी। मेरे पास यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है टेबल का, मैंने एक टेबल क्रिएट किया और उसे मैंने क्लास दे दी है टेबल, और उससे पहले एक मैंने डिव क्लास में रिस्पॉन्सिव टेबल की क्लास दे दिया, जो कि आपके टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। तो पहले मैंने एक डिव क्लास ली है कंटेनर क्लास के बाद रिस्पॉन्सिव टेबल की, देन मैंने फिर उसमें एक टेबल क्रिएट किया और उसको मैंने क्लास दे दी है टेबल की। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं, हमारे पास इसकी आउटपुट कैसे शो होगी। मेरे पास ये एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिवाइडर आ रहा है, यानी कि हर रो के एंड पे एक आपको ग्रेश लाइन शो हो रही है। तो ये बेसिक इसकी स्टाइलिंग आ जाती है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी स्टाइलिंग को चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे स्ट्रिप रोज क्रिएट करना चाह रहे हैं, यानी कि ज़ेब्रा स्ट्रिपिंग टेबल में ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग टेबल क्लास यूज़ करेंगे टेबल स्ट्रिप। हमने बेसिक जो क्लास यूज़ की है टेबल, उसको एज इट इज़ रहने देंगे और सेकेंड क्लास हम इसमें ऐड करेंगे टेबल स्ट्रिप की। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल क्रिएट किया उसमें जो मैंने फर्स्ट वन क्लास दी है वो टेबल एज इट इज़ रहने दी और सेकंड क्लास मैंने दी है टेबल स्ट्रिप की। अब इसकी आउटपुट चेक करेंगे कि इसकी आउटपुट कैसे शो हो रही है। मेरे पास टेबल स्ट्रिप में अब जो जो इवन एंड ऑड रोज है उनका जो कलर है वो चेंज हो गया है, यानी कि ग्रे कलर और वाइट कलर स्ट्रिप्स का आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल में है वो है टेबल बॉर्डर्ड, कि अगर आप बॉर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं टेबल के आउटसाइड तो उसके लिए हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है टेबल बॉर्डर की क्लास, इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस अप्लाई की हैं, यानी कि टेबल क्लास तो कंपलसरी है, उसके बाद मैंने फिर उसमें मैंने टेबल बॉर्डर की क्लास भी अप्लाई की है और फिर टेबल स्ट्रिप की भी क्लास अप्लाई की है। तो इसमें अब टेबल स्ट्रिप वाली प्रॉपर्टीज़ भी जो स्टाइलिंग है वो भी अप्लाई हो गई, और जो टेबल बॉर्डर जो है, यानी कि जो रोज़ एंड कॉलम्स में जो हमारे पास टेबल बना है, इनकी ग्रिड भी बॉर्डर क्रिएट भी हो गया। सो हम बूटस्ट्रैप के थ्रू हम सिंपली जस्ट क्लासेस को कॉल करते हुए सारी स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टेबल हॉवर का इफेक्ट डालते हैं, तो जब हम टेबल हॉवर का इफेक्ट डालेंगे तो इसका क्या रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, इस चीज़ को भी अभी चेक कर लेते हैं। इसको सेव करेंगे, जब मैं माउस लेके जाती हूँ रोज़ और रोज़ के ऊपर टेबल की, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हॉवर की वजह से चेंज हो रहा है, यानी कि उसका जो कलर है वो ग्रे आ रहा है ऑन हॉवर इफेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट है टेबल कंडेंस, जो कि यूज़ होता है टेबल को मोर कम्पैक्ट फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि जो टेबल में पैडिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है स्टाइलिंग में, उसको वो हाफ कर देता है उसकी पैडिंग को। इस चीज़ को चेक करते हैं, यहाँ पे टेबल कंडेंस्ड की मैंने क्लास दी, इसको सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास जो अब जो टेबल थी इसमें जो उसकी जो स्पेस थी वो कम हो गई, यानी कि जो पैडिंग आ रही थी कंटेंट की बॉर्डर से वो कम हो गई और हमारा जो टेबल है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कंटेक्सचुअल क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी रो के कलर को चेंज करने के लिए। जैसे अगर मुझे इसके टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है तो मैं इधर कह देती हूँ क्लास इज इक्वल्स टू टेक्स्ट प्राइमरी और बी जी प्राइमरी, मेरे पास ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है टेबल का वो चेंज हो गया।
इसी तरह मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ टेबल डेटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकती हूँ। इसी तरह मैं डिफरेंट जो क्लासेज हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या कंटेक्सुअल कलर चेंज करना है वो भी हम टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल रिस्पॉन्सिव, जिसको हमने ऑलरेडी अपने डिव में यूज़ किया है, जो कि टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए और स्मॉलर डिवाइसेस पे इसको ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया जाएगा कि अगर हम इसे लार्जर डिवाइसेस पे ओपन करें और अगर हम इसे स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर करें तो उनमें कोई उसकी व्यू में कुछ डिफरेंस ना रहे। तो उसके लिए हम लोग टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं।